हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रजा स्मार्ट लर्निंग में। दोस्तों, हम लोग एक्सेल का क्लास कर रहे थे। एक्सेल का क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। इससे पहले जो है एमएस पावर पॉइंट का क्वेश्चन आंसर हमने करा दिया था, जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे। अब जो हम लोग करने वाले हैं वो एक्सेल से क्वेश्चन आंसर करेंगे। जो भी एक्सेल के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे, और लेटेस्ट वर्जन जो है आया है उसके पे 2021 जो वर्जन है उस पर भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो आप वीडियो में बने रहें और देखते रहें, और आपको अगर वीडियो पसंद आएगी तो आप अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है कि व्हाट इज एमएस एक्सेल। कुछ क्वेश्चन इंग्लिश भी है और कुछ हिंदी का भी क्वेश्चन है। बाइलिंगुअल आपका ये क्लास रहेगा, और ये बहुत आसान सा इंग्लिश है, भारी नहीं है। एक्सेल क्या है? तो एक्सेल क्या है, क्या है? वो स्प्रिट सीट है, डेटाबेस मैनेजमेंट है, या प्रेजेंटेशन है, या वर्कबुक। आपको पता है कि प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? पावर पॉइंट। पावर पॉइंट होता है वो आपका प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है। डेटाबेस मैनेजमेंट कौन सा होता है? DBMS जिसको बोलते हैं हम लोग, DBMS। वो वर्कबुक किस में आता है? एक्सेल में ही आता है वर्कबुक। एक्सेल में वर्कबुक आता है, जो एक्सेल के डॉक्यूमेंट होते हैं, जो एक्सेल के फाइल होते हैं उसको हम वर्कबुक बोलते हैं। और एक वर्कबुक में तीन सीट होता है, सीट वन, सीट टू, सीट थ्री, तीन सीट होता है। और एक सीट में रो होता है 10,48,576, और 16,384 जो है कॉलम होता है। तो ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आपका पूछा हुआ है। इसी तरह हम लोग देखेंगे तो एक्सेल एक स्प्रीड सीट सॉफ्टवेयर है, ए हो जाएगा, एक का ए आपका आंसर हो जाएगा। स्प्रीड सीट बोले तो इस तरह का सीट जो है बना हुआ रहता है, इसलिए इसको स्प्रीड सीट सॉफ्टवेयर नाम दिया गया। देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पूछ दिया, व्हाट इज द रो लिमिट्स ऑफ एमएस एक्सेल। रो लिमिट कितना है उसको अभी हमने बताया, रो लिमिट कितना है? 10,48,576। तो कहाँ है ये ऑप्शन दे रहा है? ये नहीं होगा, नहीं ये होगा। 16,384 आपको कॉलम है। रो कॉलम किसको बोलते हैं? आपको पता हो, कॉलम जो खड़ा रहता है उसको हम बोलते हैं। ये रो इस तरह से आपका है 10,48,000, और इस तरह खड़ा वाला है 16,000। क्वेश्चन नंबर थ्री, इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रीड सीट रो आर डिज़ाइन एज। जो रो डिज़ाइन किया गया है वो किस पे डिज़ाइन किया गया है? मैंने बताया रो इस तरह का होता है, वो डिज़ाइन किस पे किया जाता है? तो वो उसका सीरियल नंबर होता है 1, 2, 3 इस तरह से, और ऊपर रहता है ABCD इस तरह से, A1 A2। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका 1। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डू यू एक्सेल फार्मूला स्टार्ट विद। एक्सेल फार्मूला हम स्टार्ट करते हैं क्या चीज़ से? क्या वो इस तरह के बिल्कुल नहीं, हम इक्वल का साइन जो है उससे हमें स्टार्ट करते हैं। ये इक्वल, कोई भी फार्मूला लगाना रहता है तो इक्वल पहले लगाते हैं, तब हम उसके बाद फार्मूला लगाएं। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, द इंटरेक्शन ऑफ कॉलम एंड रो इन अ वर्कशीट इज कॉल्ड। जो कॉलम और रो का जो वर्कशीट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉलम, एड्रेस, वैल्यू, सेल। कॉलम और रो जिसमें रहता है वर्कशीट में, उसको हम सेल बोलते हैं। आपको पता हो कि एक्सेल जब आप खोलिएगा तो आपको इस तरह से मिलेगा देखने को, और ये एक बॉक्स को कहा जाता है सेल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, द ग्रेटर देन साइन एग्जाम्पल एंड ऑपरेटर। जो ग्रेटर देन साइन है उसका क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो उसका इस्तेमाल होता है दोस्तों लॉजिकल काम करने के लिए। 6 का नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 7, नेम द कीबोर्ड शॉर्टकट टू यूज टू स्विच बिटवीन ओपन एक्सेल विंडोज। कीबोर्ड में शॉर्टकट क्या होता है जो ओपन करने के लिए एक्सेल विंडो ओपन करने के काम में आता है? तो दोस्तों ये बहुत आसान क्वेश्चन है, Ctrl+Tab, AS का आंसर हो जाएगा, ये सब नहीं होगा। डैश एक्सेल फंक्शन रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स बेस ऑन टू और मोर कंडीशन। दो से ज़्यादा कंडीशन में ट्रू और फॉल्स का हम कौन से फंक्शन लगा सकते हैं? तो वो हम लगा सकते हैं दोस्तों एंड का सिंबल में हम लोग इसको लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9,
What is an Excel feature that display only the data in columns according to a specified criteria? तो Excel features का जो display है वो column में क्या specify करता है, क्या criteria करता है, क्या वो filtering या sorting या format या pivot? दोस्तों वो filtering का काम करता है, option A हो जाएगा. Dash is not function in Excel. कौन जो एक्सेल का फंक्शन नहीं है यहाँ नॉट बोल रहा है, ध्यान से देखें. क्या वो सम मीन सब्ट्रैक्ट मैथ? सम फार्मूला होता है, सम फार्मूला का इस्तेमाल हम करते हैं कोई भी दो नंबर को ऐड करने के लिए. मिनिमम का क्या होता है, कोई भी दो चार नंबर दिया रहता है तो उसका हम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए ये मिनिमम फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं. मैक्स फार्मूला मतलब जो सबसे बड़ा नंबर है उसका नंबर को इस्तेमाल करने के लिए हम मैक्स फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन सब्ट्रैक्ट मतलब होता है घटाओ, लेकिन इसका इस्तेमाल जो है एक्सेल में नहीं किया जाता है, ये फंक्शन में नहीं आता है. आप घटा सकते हो इस तरह से टू मैच को, लेकिन वो जो मोर फंक्शन वगैरह में जा करके ऊपर फार्मूला में लगाएगा उसमें नहीं आता है, ये नहीं मिलेगा आप. क्वेश्चन नंबर 11. व्हाई इज द डैश काउंट इफ फंक्शन इन एक्सेल यूज? काउंट इफ का हम क्या प्रयोग करते हैं? देखिए काउंट का इस्तेमाल जो होता है कोई भी डेटा को काउंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. मतलब डेटा अगर 1, 2, 3 इसको काउंट करने, अगर इफ लगा दिए तो आपने कोई काउंट सेल को स्पेसिफाइड चीज़ को हम काउंट करेंगे, इसलिए आंसर ये हो जाएगा. ये सब आंसर नहीं है, अगर ट्रू और फॉल्स तो इसमें कुछ आएगा ही नहीं, काउंट कॉलम नंबर रेंज होगा ही नहीं. क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहा जा रहा है? डैश इज़ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज टू राइट माक्रो इन एक्सेल. कौन सा ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल हम माक्रो में एक्सेल में करते हैं? तो वो है विजुअल बेसिक. विजुअल बेसिक का इस्तेमाल हम करते हैं इसमें. क्वेश्चन नंबर 13. इन MS Excel द कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल एस कैन बी यूज टू. कंट्रोल एस का इस्तेमाल हम एक्सेल में क्या करते हैं? तो दोस्तों सेव एज का नहीं करते हैं, है ना. स्टार्ट न्यू वर्कबुक हैं तो क्या करने के लिए सेव है. सेव एज का इस्तेमाल जब दोबारा कोई चीज़ सेव करना होता है तो उसमें हम करते हैं. विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज़ यूज टू इजिली स्विच ओपन वर्कबुक? कौन से शॉर्टकट कमांड से हम इजिली ओपन कर सकते हैं वर्कबुक को? कंट्रोल प्लस टैब का इस्तेमाल करेंगे तो नया हमारा वर्कबुक ओपन हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 15. MS Excel किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया था? बहुत आसान है, गूगल के द्वारा नहीं बनाया गया था, एप्पल के द्वारा नहीं, एडोब सिस्टम के द्वारा. एडोब के द्वारा जो है फोटोशॉप यूज बनाया गया था, फोटोशॉप, पेज मेकर ये सब बनाया गया था. गूगल तो आपको पता है, एप्पल तो पता है, माइक्रोसॉफ्ट जो है यही माइक्रोसॉफ्ट कंपनी MS वर्ड को भी बनाती है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को भी बनाती है, पावर पॉइंट को भी बनाती है, एक्सेल को भी बनाती है और एक्सेस को भी बनाती है. बहुत सारा जो है ये ना, कुछ दिन पहले ही माइक्रोसॉफ्ट डाउन हो गया था क्योंकि दुनिया का जितना सिस्टम है सारा जो है ठप पड़ गया था. और ठप पड़ जाने के बाद जो है क्या हुआ, हाथों से बना बना करके जो है टिकट दिया गया एरोप्लेन का. सोचिए कितना पावर है माइक्रोसॉफ्ट का, अगर 2 मिनट या 10 मिनट के लिए बंद हो जाए तो क्या होगा. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कबुक्स के लिए उपयोग किए जाने वाला फाइल एक्सटेंशन क्या है? वर्कबुक के लिए जो इसका फाइल एक्सटेंशन है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन क्या होता है ये हमने पिछले क्लास में आपको बताया था. आपने नहीं देखा है तो आप जा करके हमारा यूट्यूब चैनल पे जाइए, प्रोफाइल पे जाने के बाद वहाँ प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट बना हुआ है बेल्ट्रॉन के नाम से. चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वहाँ जाइए, जाने के बाद वहाँ पर आपको पिछला वीडियो मिल जाएगा, देख लीजिए. EXE का इस्तेमाल नहीं होता है, DOCS का इस्तेमाल, ये तो MS वर्ड के लिए है, जो वर्ड है उसके लिए है. और एक्सेल SX PPTX ये है आपका पावर पॉइंट के लिए, ये है आपका एक्सेल के लिए. एक्सटेंशन मतलब होता है दोस्तों पहचान, किसी भी डॉक्यूमेंट का अपना एक पहचान होता है जिसको हम एक्सटेंशन के नाम से जानते हैं, वो होता है XLX. क्वेश्चन नंबर 17. एक्सेल किस प्रकार का एक सॉफ्टवेयर है? क्या वर्ड प्रोसेसर है, डेटाबेस है, या स्प्रेडशीट है? दोस्तों 17 का हो जाएगा.
क्वेश्चन नंबर 18, एक्सेल में डेटा को किस रूप में प्रदर्शित किया जाता है? एक्सेल में डेटा को दोस्तों प्रदर्शित किया जाता है आपको टेबल के रूप में। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम लोग, एक्सेल यूजर टेक्स्ट क्या है? तो एक्सेल यूजर टेक्स्ट जो है वो सेल को कहा जाता है। एक सेल जो बन जो इस तरह का होता है स्प्रेडशीट, बीच वाले भाग को हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। सेल हम फिजिक्स में भी पढ़े होंगे, केमिस्ट्री में भी पढ़े हैं, बायोलॉजी में भी पढ़े हैं और आज कंप्यूटर में। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? एक्सेल में कौन सा फंक्शन सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला जो है वो आपका सम फार्मूला है, और ये सम फार्मूला जोड़ने के काम में आता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, एक्सेल में आप किस विशेष सेल के लिए एक विशिष्ट नाम को क्या कहते हैं? विशेष सेल के लिए एक विशिष्ट नाम को क्या कहते हैं? स्टोरेज लेबल, रेंज, सेल नेम, दोस्तों उसे हम कहते हैं सेल नेम, ध्यान रखिएगा उसे हम सेल नेम कहते हैं। एक्सेल में A1 क्या दर्शाता है? A1 आपको पता है जब हम खोलते हैं इस तरह से तो उसमें बहुत सारा रो और कॉलम दिखता है, और इसको हम कॉलम बोलते हैं और इस वाले भाग को हम रो बोलते हैं। तो जो इस तरह से 1, 2, 3 सीरियल नंबर दिया हुआ रहता है, यहाँ A, B, C, D इस तरह से, तो ये सॉरी यहाँ से आपका 1 से शुरू होगा, यहाँ 1, 2, ये A1 दर्शाता है कि A1 वाले सेल में हम काम कर रहे हैं। पंक्ति नंबर ए और स्तंभ नंबर ए का एक सेल, पंक्ति नंबर ए और स्तंभ नंबर ए का एक सेल, पंक्ति और स्तंभ नंबर का एकत्र करने वाले फंक्शन संपूर्ण वर्ग से, तो ये दोनों तो होगा ही नहीं, इसी दोनों में से होगा कोई, पंक्ति नंबर एक और स्तंभ नंबर ए का सेल, तो आपका 22 का ए हो जाएगा। ये नहीं इसलिए नहीं होगा कि पहले ए नहीं आएगा, पहले 1, 2, 3 आता है, 22 का क्या हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, देखते हैं एक्सेल में पूरी पंक्ति को चुनने का शॉर्टकट की क्या होता है? पूरी पंक्ति को कंट्रोल प्लस स्पेस दबाइएगा तो पूरी पंक्ति आपका चुना जाएगा, ये सब नहीं होगा। एक्सेल में सेलों की रेंज के औसतन की गणना करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? सेलों की रेंज के औसत की गणना करने के लिए तो हम एवरेज का इस्तेमाल करते हैं, ये सब नहीं होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 25, एक्सेल वर्कशीट में एक सेल में टेक्स्ट कैसे इंटर करें? वर्कशीट में एक सेल में टेक्स्ट को हम कैसे इंटर कर सकते हैं? क्या वो टैब प्रेस करके या इंटर प्रेस करके, शिफ्ट प्लस इंटर प्रेस करके या कंट्रोल प्लस इंटर प्रेस करके? तो दोस्तों ये बहुत आसान क्वेश्चन है, वो इंटर प्रेस कीजिएगा तो उसके अंदर जो है आप एक वर्कशीट में आप टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। टेक्स्ट इसको बोलते हैं जो लिखावट होती है, जो ABCD होता है, जो हम कुछ लिखते हैं, जैसे हम गुड लिखे, ये एक टेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? एक साथ कितनी सीट एक एक्सेल वर्कबुक में ऐड कर सकते हैं? एक साथ कितनी सीट एक्सेल वर्कबुक में ऐड कर सकते हैं? दोस्तों ये बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। 50 नहीं होगा, 100 नहीं होगा, 255 सीट हम जो है ऐड कर सकते हैं। सीट किसको बोलते हैं दोस्तों? जैसे हम जब वर्कबुक खोलते हैं, जैसे हम एक्सेल खोलें तो एक्सेल हमें इस तरह का दिखता है, और एक्सेल के जो ऊपर में आप देखोगे तो वहाँ लिखा रहता है वर्कबुक, ठीक है। एक वर्कबुक में हमें 3 सीट मिलता है, सीट 1, सीट 2 और सीट 3, 3 सीट मिलता है, और एक सीट में 10,48,576 आपका रो मिलता है और 16,384 आपको कॉलम मिलता है, ये हम लोग देख चुके हैं। तो एक सीट में और इसी तरह 3 सीट रहता है, ठीक है। और कितना हम ले सकते हैं सीट, ये तो टोटल हम 255 सीट ले सकते हैं ये वाला, ठीक है। आप जब एक्सेल खोलिएगा तो देखिएगा एक्सेल इस तरह से खुलेगा और यहाँ लिखा रहता है सीट 1, सीट 2, सीट 3, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद है 27 है, सम फंक्शन का उपयोग क्यों है? या टेक्स्ट कंटेंट के लिए, नंबर जोड़ने के लिए, या टेक्स्ट को गिनने के लिए, या संख्याओं को गुणा करने के लिए? तो दोस्तों ये बहुत आसान क्वेश्चन है, नंबर को जोड़ने के काम में आता है सम। अभी कुछ देर पहले हमने बताया कि जो सम फॉर्मूला होता है वो 2 नंबर को जोड़ने के लिए किया जाता है, जितना भी नंबर हो वो आप जोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, परिभाषा के अनुसार MS Excel क्या है?
क्या एक वर्ड प्रोसेसर है, एक प्रेजेंटेशन टूल है, एक स्प्रेडशीट टूल है, या एक इमेज टूल है। तो एमएस एक्सेल के बाद जब भी आए तो वो क्या आएगा, स्प्रेडशीट आएगा, है ना। प्रेजेंटेशन एमएस पावर पॉइंट के लिए आएगा, वर्ड प्रोसेसर एमएस वर्ड के लिए आएगा, इमेज एडिटर तो फोटोशॉप के लिए आएगा, है ना। तो ये फोटोशॉप का हो गया, मतलब एक क्वेश्चन में हम लोग चार चार का हम लोग कर रहे हैं, एक्सेल और ये प्रेजेंटेशन जो है पावर पॉइंट के लिए, और वर्ड प्रोसेसर एमएस वर्ड के लिए। दोस्तों चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 29। सेल रेंज को जोड़ने के लिए एमएस एक्सेल में कौन सा ऑपरेशन उपयुक्त है, क्या वो ऐड, अलायंस, डिवाइडेड या रिप्लेस। सेल रेंज को जोड़ने के लिए, सेल रेंज को हम अलायंस का इस्तेमाल करते हैं, तो 29 का बी हो जाएगा। 30 नंबर, एक सेल में लिखे गए नंबरों को जोड़ने के लिए आप कौन सा ऑपरेशन का इस्तेमाल करते हैं। बोला है कि नंबरों को जोड़ने के लिए, नंबर जोड़ने की बात आएगा तो हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, सम। क्वेश्चन नंबर 31, डाटा को सॉर्ट के लिए एमएस एक्सेल में कौन सा टूल उपयोग करते हैं। सॉर्ट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सॉर्ट ही, ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। 31 का आपका हो जाएगा 20। एमएस एक्सेल में वर्कशीट को पूर्णता से मिटाने के लिए आप क्या करते हैं, पूर्णता को मिटाने के लिए हम क्या करते हैं, कौन सा कमांड इस्तेमाल करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, 32 का आपका हो जाएगा सी, क्लोज का इस्तेमाल करते हैं, पूरा तरह से ये आपका डेटा को मिटा देगा। 33 नंबर, एक्सेल में कौन सा फंक्शन कैसे दर्ज किया जाता है, तो वो इक्वल टू के हिसाब से दर्ज किया जाता है, ये जीरो नहीं होगा, इसमें इक्वल के साथ जो है दर्ज किया जाता है, ये जीरो नहीं होगा, इक्वल लिखा हुआ है, वो गलत टाइपिंग हो गया। 34 नंबर में, एमएस एक्सेल में कंटेंट्स को करेंसी के रूप में प्रारूपित करने के लिए विकल्प का उपयोग है, तो करेंसी का ही इस्तेमाल करें, मतलब करेंसी के लिए करेंसी का ही इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 में है, एक्सेल वर्कबुक को सेव करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, कंट्रोल एस का इस्तेमाल करता है, ये तो सब में एमएस वर्ड में भी सेम है और पावर पॉइंट में भी सेम है। आप एक्सेल वर्कबुक में नई वर्कशीट कैसे जोड़ सकते हैं, एक्सेल वर्कबुक में नई वर्कशीट आप कैसे जोड़ सकते हैं, वर्कशीट टैब पर राइट क्लिक करें और इंसर्ट चुनें, नया आपका आ जाएगा। 36 का हो जाएगा सी। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक्सेल में सेलों की श्रेणी में उच्चतम मान ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। सेलों की श्रेणी में उच्चतम मान ज्ञात करने के लिए हम किस, उच्चतम मान मतलब सबसे बड़ा मान मानने के लिए हम मैक्स फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। आप एक्सेल में किस सेल के चारों ओर बॉर्डर कैसे लगाते हैं, तो बॉर्डर लगाने के लिए दोस्तों आप क्या करते हैं, सेल पर राइट क्लिक करें और बॉर्डर चुनें, बिल्कुल नहीं, फॉर्मेट पेंटर टूल का उपयोग करें नहीं होता है। होम टैब में बॉर्डर बटन पर क्लिक करें, ये होगा आपका आंसर, रंग भरे। होम टैब पे हम बॉर्डर बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा, वहाँ होम टैब पे जाइएगा, बॉर्डर बटन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, आप एक्सेल में पैन को कैसे फ्रीज कर सकते हैं, तो फ्रीज पेन द्वारा हम कर सकते हैं, जहाँ फ्रीज पेन होगा, अरे व्यू टैब में फ्रीज पेन बटन पर क्लिक करें, बिल्कुल नहीं होगा, कंट्रोल एफ दबाएं, उस सेल पर क्लिक करें जहाँ आप पैन फ्रीज करना चाहते हैं, और फिर यही ऑप्शन होगा आपका, उस सेल पर क्लिक करें जहाँ आप पैन फ्रीज करना चाहते हैं, तो बोलिएगा व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ एक्सेल। एक्सेल का जो है एक्सटेंशन क्या होता है आपको पता है दोस्तों, एक्सेल एक्सटेंशन मतलब होता है पहचान, ये हमने आपको बता चुका है, एक्सेल मतलब पहचान होता है। तो ये DOC नहीं होता है, .xlx नहीं होता है, XLX या SLC क्या होता है आप हमें बताइए। इसका आंसर हो जाएगा DOC जो होता है वो MS Word के लिए होता है, और XLX ये Excel के लिए होता है, लेकिन ये जो आपका है ये नहीं होगा, XLCX होता है, कोई देखेगा तो ये इस पे लगा देगा, नहीं XLSX होता है, इसलिए 40 का आंसर हो जाएगा आपका सी। दोस्तों हम लोगों ने 40 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कर लिया है, आप इस 40 क्वेश्चन को अच्छी तरह से देख लीजिएगा और इसका आप नोट्स बना लीजिएगा। नोट्स कैसे बनाना है, जैसे छोटा छोटा पॉइंट वन लाइनर आप बना सकते हैं ताकि रिविजन करने में आपको आसानी हो। इन सब का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर रजा स्मार्ट लर्निंग पर आपको मिल जाएगा। आपको वीडियो कैसी लगी है, अगर अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं,
अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, और आप कमेंट में बता सकते हैं कि हाँ हमें क्या और सुधार करने की ज़रूरत है और आपको क्या चीज़ की क्लास चाहिए। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है बहुत जल्द आप लोगों के बीच मिलेगा, हमने टाइपिस्ट को दे दिया है टाइप करने के लिए, और जब जितना जल्दी हो जाएगा उतना जल्दी हम आपका कोर्स प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है वो करा देंगे। दोस्तों मिलते हैं दूसरे एक्सेल के पार्ट में, ये एक्सेल का फर्स्ट पार्ट था, एक और पार्ट में वीडियो बनाएगा, कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रह गया है वो भी हम लोग देखेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे दोस्तों, सब बखैर।